नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दुर्गा पंडालों पर उमड़ी पड़ी। गोलघर बेतिहाता सहित सभी पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और माँ दुर्गा का दर्शन पूजन कर मंगल कामना की। नारियल चुनरी के साथ माँ भक्तों ने देवी की आराधना की। दुर्गा पंडाल में महाअष्टमी व संधि पूजा किया गया। पंडालों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। जो भक्त पंडाल में पूजा करने जा रहे थे उन्हें पहले से सैनिटाइजर कराया जा रहा था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयोजकों ने कहा, विगत 35 वर्षों से स्थापित की जा रही है यहाँ पर, सन 1986 से ना। आपको दूरी बना लीजिए आप लोग। मेरा नाम है आकाश मोदनवाल। यहाँ पे प्रतिमा जो है 33 वर्षों से स्थापित की जा रही है। सन 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लगातार यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है प्रतिमा। हम लोग इस बार क्या कोरोना काल में गाइडलाइन मिली थी कि भाई ये हम लोग रोड पे पंडाल नहीं बना सकते और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं लगा सकते और जो भी आयोजन रहेगा वो सीमित मात्रा में होगा, भंडारा नहीं आयोजित हो सकता, प्रसाद वितरण नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो सारी चीज़ों को देखने के बाद जो भी प्रशासन से गाइडलाइन हमें मिला उसके अनुसार हम लोगों ने कार्य किया और प्रतिमा हमारे यहाँ गोरखपुर में सबसे विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है लगभग विगत कई वर्षों से, जिसके वजह से इस वजह से हम लोग बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने के बजाय छोटी प्रतिमा ही स्थापित किया गया। और हमारे यहाँ अष्टमी के दिन प्रसाद वितरण होता है, 56 भोग लगाया जाता है माता को और उसके बाद नवमी के दिन हमारे यहाँ तिन्नी के चावल का खीर बटता है, वो फलाहारी प्रसाद होता है एक तरह से, लेकिन इस बार वो भी नहीं हो पाएगा। और विजयदशमी के दिन हमारे यहाँ भंडारा होता है जो सुबह से लेकर के शाम रात तक चलता है, वो भी इस वर्ष हम लोगों ने स्थगित कर दिया है। और विसर्जन में भी देखिए कुछ बहुत ही ज़्यादा हम लोग भव्य तरीके से नहीं करेंगे, सूक्ष्म रूप से ही सारे का सारे कार्य हो रहे हैं। और पंडाल भी हम लोगों ने इस वर्ष नहीं बनवाया, मंदिर के अंदर ही हम लोगों ने प्रतिमा स्थापित करके काम करके अपना परंपरा हम लोगों ने निभाई है। तो यहाँ निर्णय लिया गया 27 तारीख को विसर्जित किया जाएगा और प्रतिमा यहाँ हर साल बैठती है, लेकिन चूंकि प्रशासन के मनाही की वजह से यह मंदिर के गेट पर रखा गया है, छोटी प्रतिमा रखी गई है कि परंपरा का निर्वहन किया गया है, मतलब जिससे किसी प्रकार का मतलब माँ के तरफ से हम लोगों को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। और हम लोग श्रद्धालु हैं, सच्चे हृदय से पूजा पाठ करते हैं। यहाँ देखिए मंदिर में भी दो प्रतिमाएं ऑलरेडी बहुत पुरानी लगी हुई हैं और यहाँ पूजा पाठ बराबर होता रहता है। भैया हमारी मूर्ति को आज स्थापना को पूरे 42 साल हो गए हैं। 1978 में इसकी स्थापना न्यू रखी गई थी
जो निरंतर आज की प्रगतिशील वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारा प्रगतिशील कार्य को देखते हुए चलता चला आ रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से और मुख्यमंत्री जी का शहर होने के नाते और सारी चीज़ों को प्रशासन को और शासन को हमें एक पक्ष कर रखते हुए हमने इस साल मूर्ति को बहुत छोटा रूप दिया हुआ है। मूर्ति को कहने का छोटा रूप है मगर माँ की शक्ति जो उतनी होती है उससे विशाल रूप अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जो शक्ति हमें मिली है उस रूप में हमने यथाशक्ति से हमने इस बार स्थापना की है।